हे गाइस, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिलेज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसका पार्ट वन हो चुका है। टिलेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से हमने इसको प्रिपेयर किया है। तो पार्ट सेकेंड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। जैसा कि अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर बात हो रही है ऑप्टिमम रेंज ऑफ अवेलेबल सोयल मॉइस्चर फॉर कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव प्लॉइंग। यानी कि इस पॉइंट में बात हो रही है कि मिट्टी में मिनिमम कितने प्रतिशत नमी या मॉइस्चर होना चाहिए, जिससे कि हम उसमें एक अच्छी तरीके की प्लाउ प्लॉइंग या फिर टिलेज हम उसमें कर पाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 से 75%। यानी कि अगर मृदा में मिट्टी में 50% या 50 से 75% के बीच में अगर नमी है तो बहुत अच्छे तरीके से हम टिलेज कर पाएंगे और ये हमारे प्लांटिंग के लिए भी सोइंग के लिए भी काफ़ी फेवरेबल रहेगी। सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है कन्वेंशनल टिलेज इन्वॉल्व। ये टिलेज का टाइप है कन्वेंशनल टिलेज, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से पूछता है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। मिनिमम टिलेज की बात करें, इसको न्यूनतम भू परिष्करण के नाम से जानते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है द टिलेज एम्स टू रिड्यूस टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन। इसको हम मिनिमम टिलेज बोलते हैं। मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम भूपरिष्करण, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि केवल मिनिमम यानी न्यूनतम से न्यूनतम हम टिलेज कर रहे हैं, जो कि हमको एक गुड सीड बेड के लिए जरूरी है और एक गुड सोइंग के लिए जरूरी है और कहीं ना कहीं हमारे प्लांट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन दे पाए, इतना ही हमको टिलेज करना है, तो इसको हम मिनिमम टिलेज कहेंगे। आगे अगर हम बात करें जीरो टिलेज या फिर इसको हम शून्य भूपरिष्करण के नाम से जानते हैं। शून्य भूपरिष्करण, जीरो टिलेज का मतलब होता है नो टिलेज, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टिलेज नहीं किया जाता है। जो भी सोइंग या हम प्लांटिंग करेंगे वो अनप्रिपेयर्ड सोयल में करेंगे। आगे जानते हैं हम यहाँ पर क्या है। द टिलेज रिफर्स एज नो टिलेज इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सोयल, यानी कि तैयार नहीं की गई है उस मिट्टी में ही हम प्लांटिंग या फिर सोइंग कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे जीरो टिलेज। ठीक है, आगे अगर हम जाने तो यहां पर बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट की, द बर्ड टिलेज यानी जीरो टिलेज वॉज टर्म्ड बाय, यानी कि जो जीरो टिलेज शब्द है वो जेथ्रो टुल जी के द्वारा दिया गया है। एक बात और हम जानते हैं, जो फादर ऑफ टिलेज है वो भी जेथ्रो टुल जी ही है। तो ये हमको याद रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होते हैं। आगे बात करेंगे हम कंजर्वेशन टिलेज के बारे में। तो कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है? कंजर्वेशन टिलेज यानी कि इसको संरक्षण भू परिष्करण या फिर संरक्षण जुताई के नाम से भी हम इसको बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रॉप की रेसिड्यू होती है, जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू होता है, उसको एज इट इज रखा जाता है फील्ड में, उसको मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है और उसको हम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर यूज करेंगे अगेंस्ट सोयल इरोजन और एवोपरेशनल लॉसेस ऑफ सोयल मॉइस्चर। ठीक है, आप इसको यहां पर समझ सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ टिलेज इन विच ऑर्गेनिक रेसिड्यू आर नॉट इन्वर्टेड इनटू द सोयल एंड यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट इरोजन यानी कि मृदा क्षरण एंड एवोपरेशनल लॉसेस ऑफ सोयल मॉइस्चर। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज और इसको हम स्टेबल मल्च टिलेज के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नामों को आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, ये जो कंजर्वेशन टिलेज होता है ये क्या करेगा, ये हायर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, बढ़ावा देगा मिट्टी में, हायर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को ये इंक्रीज करेगा। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आगे अगर हम इसके और सारे नाम के बारे में जाने, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर इसके दूसरे नामों के बारे में जाने, यानी कि जो कंजर्वेशन टिलेज है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको हम इको फेलो टिलेज के नाम से जानते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा के लिए
और दूसरा नाम है रिड्यूस्ड टिलेज, इसको हम रिड्यूस्ड टिलेज के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अपनी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। और इसको एक और नाम से जानते हैं, स्टेबल मल्च टिलेज। स्टेबल का मतलब होता है जो फसल है उसके ठूंठे, और मल्च का मतलब आप समझते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाती है आपकी परीक्षा के हिसाब से। आगे अगर हम बात करें हैरोज, हैरोज आर यूज्ड फॉर, जो हैरोज होते हैं अलग अलग पर्पस के हिसाब से हैरो को डिजाइन किया गया है अलग अलग तरीके से, तो उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। मेनली अगर हैरोज की बात करें या हैरो की बात करें तो उसका हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, यानी कि एक बहुत अच्छा सीड बेड बनाने के लिए भी हम हैरो का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा डिस्ट्रॉय वीड्स, जो खरपतवार होते हैं उनको मिट्टी में मिलाना या उनको नष्ट करने के लिए भी हम इसका हैरो का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको काफी अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके बाद आगे हम बात करें प्लांकर की। प्लांकर इसको पाटा या पटेला के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उपयोग है वो लेवलिंग के काम में करते हैं, या फिर हम सिंपल बात करें तो इसको माइक्रो माइक्रो लेवलिंग के तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं, एग्जाम में पूछता है। तो गाइस, दो पार्ट में हमने टिलेज को कवर किया है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दो पार्ट में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग अबाउट टू टिलेज जो भी हमसे हो पाया हमने कवर किया है। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक एग्री मंत्रा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।